तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो है टाइपोग्राफी लोगो डिज़ाइन करेंगे। सिंपली हम एक वर्ड लेंगे, उसको जो है एक लोगो के लिए, उसके लिए एक लोगो प्रोसेस करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ टाइप करते हैं। मैंने टाइप किया यहाँ पे यूनिक टेक्नो। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं, टाइप करते हैं यूनिक टेक्नो। आप अपनी तरफ से कुछ भी टाइप कर सकते हो, बस मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी हमें इसे अपर केस में कर देना है एंड फॉन्ट को यूज़ करते हैं। एरियल ले लेंगे हम, एरियल ब्लैक नॉर्मल फॉन्ट होता है। तो हम यहाँ पे एरियल ब्लैक लेंगे, अच्छा फॉन्ट है, मोटा फॉन्ट है तो लोगों के लिए अच्छा हो सकता है ये। सिंपली इसको बड़ा करते हैं एंड सबसे पहले हम इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे। जो हमने टाइप किया इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे। तो ब्रेक अपार्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के शॉर्टकट की होती है, ब्रेक अपार्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड ये ब्रेक अपार्ट कर देंगे कंट्रोल के से, इसको भी कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट और इसको भी कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट क्या होता है, यानी कि किसी भी वर्ड को या कोई भी शेप है हमारी, अगर हम उसको कंट्रोल के से कर देते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि उसके नोड होंगे तो वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हमने इसको भी कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट कर लिया। नाउ अभी हम गाइडलाइन लेंगे एंड गाइडलाइन को चारों तरफ से हम ले लेंगे एंड जो ऊपर और नीचे की जो हमने गाइडलाइन ली है तो हम उसमें लगभग तीन, यानी कि अभी हमने जो ये है तो हमारे इंच में है, तो हमें लगभग 0.25 यानी कि 0.25 जो है हमें गैप लेना है और ऊपर नीचे में हमें 0.25 का गैप लेना है। इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से 0.25 के गैप में हमें इसको ऊपर करना है। तो ऊपर से भी उतना ही करना है, नीचे से भी उतना ही करना है, हमें इक्वली बैलेंस करके चलना है इस तरीके से। एंड नाउ हमें जब हमने जो टेक्स्ट लिया है इन सबको हमें कन्वर्ट टू कर्व करना है, या आप जिस जिसको आपको चेंज करना है उसको कन्वर्ट टू कर्व कंट्रोल क्यू कर दीजिए। तो हमें एन को जो है हमें एन की शेप में चेंज करना है, तो इसको हम कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे एंड इसकी नोड को पकड़ेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब राइट वाली नोड को पकड़ेंगे अप से और इसको ऊपर, यानी जहाँ पे हमने गाइडलाइन ली है तो उसके बराबर हमें इसको करना है। तो सेम इसको भी नीचे ड्रैग करेंगे एंड ऊपर से भी पकड़ेंगे नोड को और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ध्यान रहे जब हम ड्रैग करेंगे तो हमें कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है ताकि हमारी लाइन सीधी जाए। तो अभी हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है और जो हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो जो एन की जो हमें हमने जो एन को ड्रॉ नीचे किया है तो उसी की शेप में, यानी कि उसी के साइज में हमें ड्रॉ करना है बॉक्स को भी इस तरीके से एंड अब इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से, ब्लैक कलर फिल करेंगे एंड इसको जब शिफ्ट, अभी हम इसको रोटेट कर लेंगे इसकी शेप को, यानी हम इसको अभी ये लेफ्ट में तो इसको राइट में ले आएंगे। तो कंट्रोल के साथ इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, मज़े थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रोटेट कर लेंगे दूसरी साइड, कंट्रोल के साथ पकड़ेंगे इसको, इस तरफ ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल के साथ पकड़ेंगे और इस साइड को इसको लेफ्ट क्लिक कर लेंगे तो ये इस साइड कॉपी हो जाएगा। नाउ इसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए सिंपली हमें जो है ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है और इसको लेफ्ट क्लिक कीजिए या राइट क्लिक के साथ ड्रैग करना और राइट क्लिक माउस पे छोड़ देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ेंगे और इसको जो है हम कर लेंगे L, यानी कि इसके लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। नाउ इसको ऊपर ले जाएंगे टॉप करके
इसको ऊपर हम सेट कर लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल के साथ। आप धीरे से लगेंगे तो कंट्रोल के साथ ही हमें इसको ऊपर नीचे या आगे पीछे करना है, तो कंट्रोल के साथ ही करना है ताकि एकदम सीधे, क्योंकि अगर हम कंट्रोल के साथ करेंगे तो अच्छे से एडजस्ट होगा। शिफ्ट के साथ दोनों को शिफ्ट करेंगे एंड आर प्रेस कर देंगे। नाउ इन तीनों को पकड़ के वेल्ड कर लेंगे, शिफ्ट के साथ वेल्ड करेंगे इस तरीके से एंड दोनों में कलर फिल करेंगे एंड हमारा लोगो तैयार हो गया है लगभग। थोड़ा सा कलर में चेंज करेंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए। सिंपली एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में कमेंट जरूर कीजिए। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।